सीरियल वो अपना समय निशा देती है जानवी को डेडली वार्निंग और आदित्य बनता है जानवी का सेवियर। सीरियल वो अपना समय निशा और जानवी के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है जहां निशा बार बार जानवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और हर बार जानवी निशा की चाल को फेल कर देती है जिसकी वजह से निशा जानवी से और भी ज्यादा नफरत करने लग गई है और वो बस उसे जिंदल हाउस से बाहर करना चाहती है। जानवी और आदित्य ने मिलकर निशा के एविल ट्रिक को बाबा साहब और पूरे परिवार के सामने एक्सपोज कर दिया है और काका साहब भी उस बात को जानकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। निशा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि जानवी धीरे धीरे सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रही होती है। निशा जानवी को आदित्य के परिवार के करीब होता हुआ नहीं देख सकती है, इसीलिए अब निशा पहले से और ज्यादा डेंजरस हो गई है और वो जानवी के घर पर अटैक प्लान करती है। इतना ही नहीं, निशा जानवी को वार्निंग भी देती है कि वो उसकी लाइफ से दूर ही रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जानवी निशा की इन धमकियों से बिल्कुल डरने वाली नहीं है। वो निशा को बोलती है कि वो अपनी जिंदगी में और चीप हो सकती है। आदित्य निशा को कहता है कि उसका सच सबके सामने जल्द ही एक्सपोज करेगा क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास आ गई है। पुलिस के पास अभी भी एक कॉपी है उस रिकॉर्डिंग की। अब निशा क्या करती है अपना सच बाहर न आने के लिए और ये सारी सच्चाई को रोकने के लिए, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल वो अपना समय निशा देती है जानवी को डेडली वार्निंग और आदित्य बनता है जानवी का सेवियर। सीरियल वो अपना समय निशा और जानवी के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है जहां निशा बार बार जानवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और हर बार जानवी निशा की चाल को फेल कर देती है जिसकी वजह से निशा जानवी से और भी ज्यादा नफरत करने लग गई है और वो बस उसे जिंदल हाउस से बाहर करना चाहती है। जानवी और आदित्य ने मिलकर निशा के एविल ट्रिक को बाबा साहब और पूरे परिवार के सामने एक्सपोज कर दिया है और काका साहब भी उस बात को जानकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। निशा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि जानवी धीरे धीरे सभी लोगों को अपनी तरफ खींच रही है और वो ये सब हैंडल नहीं कर पा रही होती है। निशा जानवी को आदित्य के परिवार के करीब होता हुआ नहीं देख सकती है, इसीलिए अब निशा पहले से और ज्यादा डेंजरस हो गई है और वो जानवी के घर पर अटैक प्लान करती है। इतना ही नहीं, निशा जानवी को वार्निंग भी देती है कि वो उसकी लाइफ से दूर ही रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जानवी निशा की इन धमकियों से बिल्कुल डरने वाली नहीं है। वो निशा को बोलती है कि वो अपनी जिंदगी में और चीप हो सकती है। आदित्य निशा को कहता है कि उसका सच सबके सामने जल्द ही एक्सपोज करेगा क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास आ गई है। पुलिस के पास अभी भी एक कॉपी है उस रिकॉर्डिंग की। अब निशा क्या करती है अपना सच बाहर ना आने के लिए और ये सारी सच्चाई को रोकने के लिए, ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।